फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर बीसीसीआई की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि हमें इसी साल आईपीएल देखने को मिलेगा। बीसीसीआई इसी साल भारत में आईपीएल 2020 का सीजन कराएगी। इस अनाउंसमेंट के बाद आईपीएल की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से, इसके साथ ही सभी आईपीएल टीमों की तरफ से लगातार काफ़ी अधिक बड़े अपडेट्स, काफ़ी अधिक बड़ी खुशखबरियाँ निकल कर आ रही थी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पिछले लगभग 7-8 दिनों में आईपीएल को लेकर, इसके साथ ही सभी आईपीएल टीमों के लिए क्या बड़ी खुशखबरियां अब तक निकल कर आई है। मैं इस वीडियो में आपको 5 बड़ी खुशखबरियां या फिर 5 बड़ी खबरें बताऊंगा। आपको आईपीएल और सभी टीमों को लेकर आई सारे बड़े अपडेट्स की जानकारी दूंगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन को लेकर, इसके साथ ही सभी टीमों को लेकर जो करंटली 5 बड़ी खुशखबरियां निकल कर आई है, इनमें बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खुशखबरी की। तो जो करंटली पहली बड़ी खुशखबरी है वो है आईपीएल की कन्फर्म्ड डेट को लेकर। दरअसल जब से बीसीसीआई ने आईपीएल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी, इसके बाद आईपीएल की डेट को लेकर काफी अधिक सवाल थे, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल की कन्फर्म्ड डेट लगभग सामने आ चुकी है। दरअसल 26 सितंबर से लेकर हमें 8 नवंबर के बीच आईपीएल 2020 का सीजन देखने को मिलेगा। इसी 35 से 37 दिन के टाइम के बीच हमें आईपीएल देखने को मिलेगा और इस दौरान काफी अधिक डबल हेडर्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं आईपीएल को लेकर आई दूसरी बड़ी खुशखबरी की। तो जो करंटली दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो है केकेआर, इसके साथ ही सीएसके, इसके साथ ही आरसीबी और पंजाब की टीम को लेकर। दरअसल करंटली जो बीसीसीआई आईपीएल की प्लानिंग कर रही है, इसमें बीसीसीआई केवल 2 या फिर 3 या फिर 4 वेन्यूज पर आईपीएल कराएगी। करंटली भारत सरकार ने 2 वेन्यूज पर आईपीएल कराने की परमिशन दे दी है, लेकिन बीसीसीआई ने 4 वेन्यूज यानी 4 शहरों में आईपीएल की अनुमति मांगी है। उन 4 शहरों में नाम आता है पंजाब के मोहाली का, इसके साथ ही बेंगलुरु, इसके साथ ही कोलकाता और इसके साथ ही चेन्नई का, और लगभग तय है कि इन 4 शहरों में आईपीएल कराने की अनुमति मिल जाएगी। यानी सीएसके, इसके साथ ही केकेआर, इसके साथ ही आरसीबी और पंजाब की टीमों को अपने मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने को मिलेंगे और इन टीमों ने अपने होम ग्राउंड के अकॉर्डिंग ही पूरा स्क्वाड पिक किया है। यानी इन टीमों को अब आईपीएल 2020 के सीजन में काफी अधिक फायदा होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी की। तो जो करंटली तीसरी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है वो ये पंजाब की टीम के लिए। दरअसल वर्ल्ड कप कैंसिलेशन के कारण अब ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली, इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला पंजाब की टीम से जुड़ने वाले हैं, जहां पर जॉर्ज बेली टीम के बैटिंग कोच और बैटिंग सलाहकार के रूप में काम करते हुए दिखेंगे। वही हाशिम अमला इस टीम के लिए टैलेंट स्काउट, इसके साथ इस टीम के मेंटोर के रूप में इस आईपीएल सीजन में वर्क करते हुए दिखेंगे, जहां पर वीरेंद्र सहवाग ने इस टीम को छोड़ दिया था, उसके बाद से इस टीम को मेंटोर की तलाश थी। और इस आईपीएल सीजन के लिए तो इस टीम के पास काफी बड़ा और काफी अच्छा कोचिंग स्टाफ है। इवन इस टीम ने ऑक्शन में काफी अच्छा स्क्वाड भी पिक किया है और अब जॉर्ज बेली, हाशिम अमला जैसे लेजेंड इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो पंजाब की टीम के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद बात करते हैं आईपीएल या फिर आईपीएल टीमों को लेकर आई चौथी बड़ी खुशखबरी की। तो जो करंटली चौथी बड़ी खुशखबरी है वो है एमआई की टीम के लिए। दरअसल एमआई की टीम ने मुंबई में जियो गार्डन में अपना प्रैक्टिस कैंप लगाकर आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी है और लॉकडाउन या फिर कोरोना के बाद एमआई की टीम पहली आईपीएल टीम बनी है जिसने आईपीएल की दोबारा से तैयारियां शुरू कर दी है। इवन एमआई की टीम ने 5 से 6 बड़े प्लेयर्स के साथ तैयारियां शुरू कर दी है और अगले महीने में इनके ओवरसीज प्लेयर्स भी शायद से इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो करंटली एमआई की टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद बात करते हैं पांचवी और आखिरी बड़ी खुशखबरी की। तो जो करंटली पांचवी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है वो आई है भारत सरकार की तरफ से। दरअसल भारत सरकार ने बीसीसीआई को भारत में आईपीएल कराने की अनुमति तो दे दी है, इसके साथ ही विदेशी प्लेयर्स के साथ आईपीएल कराने की अनुमति भी दे दी है। इसके साथ ही 28 जून से फॉरेन ट्रेवल भी शुरू कर दिया जाएगा, यानी 28 जून के बाद अब विदेशी प्लेयर्स भारत में आ पाएंगे और वर्ल्ड कप कैंसिल हो चुका है, इस वजह से इस बार काफी जल्दी विदेशी प्लेयर्स भारत में आकर भारत में आईपीएल की तैयारियां शुरू कर देंगे और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने में 15 से 20 विदेशी प्लेयर्स भारत में आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल सीजन में कौन सी है। इसके साथ ही हम
हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।